हेलो दोस्तों, दिस इज रम्मी राइडर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, क्योंकि कई लोगों को मिसगाइड किया जाता था, कई लोगों को कंफर्म नहीं था कि मेरी बाइक में कितने किलो की क्रैंक है। जी हाँ दोस्तों, जो बुलेट के चाहने वाले हैं उनको, वो चाहते हैं कि मेरी बुलेट के अंदर हैवी से हैवी क्रैंक हो, क्योंकि एक बीट अलग ही आती है, साउंड अलग ही आती है जब थंप अलग आती है जब किसी बाइक में हैवी क्रैंक होती है। अब क्या अब भी स्टैंडर्ड में भारी क्रैंक आ रही है, या क्लासिक में आ रही है, किस गाड़ी में भारी क्रैंक आ रही है, या कब कब आया करती थी, वो सब पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक यूसी स्टैंडर्ड, जो कई लोग सोचते हैं कि नहीं भाई इसमें हल्की क्रैंक है, सारी गाड़ियों में एक ही क्रैंक है। नहीं दोस्तों, स्टैंडर्ड में कितने किलो की क्रैंक है, क्लासिक इलेक्ट्रा थंडरबर्ड इन सब में कितने किलो की क्रैंक है, सब आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो बिना स्किप करे वीडियो पूरी देखेगा, ताकि आपको पता चल पाए कि आपकी बाइक में कितने किलो की क्रैंक है। चलिए बिना देखे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह है स्टैंडर्ड मॉडल, मैं आपको बताता हूँ। ये चली हुई अभी 18,000, और इसका इंजन इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि इसकी क्रैंक साउंड आ गई है। मैं आपको सुना देता हूँ इसकी आवाज़। ये एक आवाज़ आ रही है, तो ये जो साउंड है क्रैंक की है, और मेरे टूल्स रेडी हैं तो मैं खोल लेता हूँ। और क्रैंक बेसिकली जो मैंने बताया, इसका वेट बताऊँगा बस, स्टैंडर्ड में कितना वेट है क्रैंक के अंदर। कहीं कई लोग बोलते हैं भाई कोई भारी नहीं है, तो उसी चीज़ के लिए वीडियो है, प्रूफ दिखाऊंगा कि कितने किलो की क्रैंक है। चलिए बिना देरी करे इसका इंजन खोलते हैं पूरा। तो दोस्तों, खुल गई है क्रैंक, ये भारी वाली क्रैंक है। वेट अभी बता दूंगा कितना, पहले ये सुनिए मैंने क्यों खोली है। ये इसमें क्रैंक में साउंड थी, ये आवाज़ थी। तो चलिए अब मेन इसका, जो इस टॉपिक के ऊपर है कि इसका वेट कितना है, तो चलिए इसका वेट कराते हैं और दिखाता हूँ कितने है, कितने किलो की क्रैंक है ये स्टैंडर्ड के अंदर। और साथ में एक क्लासिक और खुल रही है हमारे पास, तो उसकी भी वेट कराता हूँ, दोनों का आपको फर्क पता चल जाएगा, ठीक है ना। आइए इसका वेट कराने चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी जीरो है, लॉक क्रैंक लो। क्रैंक रख दिए 10 किलो 194, मतलब 10 किलो 100 ग्राम की मान लीजिए, एक कोन भी लगी वैसे 90 ग्राम की कोन होगी, 90 ग्राम की नहीं कम की होगी, थोड़ा बहुत तेल लगा हुआ होगा चाहे वो कह सकते हैं। तो इस क्रैंक का वेट है 10 किलो 196 100 ग्राम, ठीक है दोस्तों, प्रूफ के साथ मैंने बता दिया आपको ये। चलिए अब एक क्लासिक है 350 cc, ये भी स्टैंडर्ड 350 cc आप देख चुके हैं इसको, तो अब एक क्लासिक 350 cc है, उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ क्रैंक का वेट कितना है। तो दोस्तों, ये क्लासिक खुली हुई है, देख सकते हैं क्लासिक है ये, और इसका वेट कराते हैं, ये इसकी क्रैंक है। चलिए इसका वेट कराते हैं एक बार, इसका वेट कितना है। जीरो हो चुका है, देखो आराम से, 8 किलो 164, मतलब 8 किलो 100 ग्राम मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया अब आपको डाउट सारा कि किस गाड़ी में कितना वेट है। चलिए इसकी डिटेल लेता हूँ।
दोस्तों ऐसे फर्क तो देखने से ही पता चल जाता है, हल्की भारी का पता चल रहा है। देख रहे हैं आप, ये वाली स्टैंडर्ड की है और ये क्लासिक इलेक्ट्रा ठंडा वर्ड सब की है, तो देखने से फर्क पता चल जाता है। फिर भी मैंने वेट करा दिया ताकि आपको पता चले कितने वजन कितना है इसका। तो देखा दोस्तों आपने, स्टैंडर्ड की निकली 10 किलो 100 ग्राम की और क्लासिक वाली निकली 8 किलो 100 ग्राम की। अब किस किस गाड़ी में कौन कौन सी करेंगे दोस्तों, थंडरबर्ड 350, इलेक्ट्रा 350, क्लासिक 350, इन सब के अंदर है 8 किलो की क्रैंक। स्टैंडर्ड 350 और 500 में ये है आपके सामने 10 किलो 100 ग्राम की क्रैंक। तो इससे आपको बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो गया है कि स्टैंडर्ड के अंदर भारी क्रैंक आती है। आपने साइड में भी रख के दिखा दी मैंने आपको, सब कुछ क्लियर हो गया है। अब दोस्तों 80s से पहले जो आती थी 70, 78, 79, मतलब जितनी भी हैं, तो उसके अंदर आया करती थी 11 किलो की क्रैंक। अब बहुत से लोग बोलते हैं भाई मेरी बाइक में 14 किलो की क्रैंक, दोस्तों 14 किलो की क्रैंक नहीं आई थी कभी भी कंपनी से। मैक्सिमम जो आई है 11 किलो 800 ग्राम की आई है। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सारी मॉडल को लेके, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि उसमें जाइए, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, इसलिए उस गाड़ियों की बात ही नहीं कर रहा हूं उसके अंदर, बात कर रहा हूं यूसी इंजन की। यूसी इंजन के अंदर प्रूफ के साथ दिखा दी मैंने, बाकी बाइकों के अंदर भी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा जब मैं वीडियो उसके ऊपर शूट कर लूँगा। तो अब आप भैया को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, स्टैंडर्ड में भारी क्रैंक है। और अब कई लोग बोलेंगे भाई क्या एक्स में भी आ रही है, दोस्तों भारी क्रैंक में सेल्फ इसलिए नहीं आता क्योंकि उसको सेल्फ लगाना पड़ेगा हमें 500 cc का। अगर आप लगाते हैं 350 का चल जाता है, बट वो थोड़ा लोड लेता है, आने वाले टाइम में थोड़ी दिक्कत करेगा। और अब कई लोग बोलेंगे कि भारी वाली क्रैंक से फ़ायदा क्या है, दोस्तों एक बीट अलग आती है, जब आप इस RPM छोड़ दोगे ना लो तो धक धक, क्योंकि वो वेट आपने सुना होगा 12, सुना क्या होगा आपने देखा होगा 12 के अंदर साइडों में व्हील लगे रहते हैं, जो खेतों में चलता है पानी निकालने के लिए उसमें साइडों में व्हील लगे रहते हैं, क्योंकि वो एक रोटेशन बनी रहे उसकी, ताकि इंजन बंद होने वाला हो बट उसकी फोर्स जो है उसको इंजन को जैसे इंजन बंद होने वाला हो रोटेट करे। जो सुपर बाइक ये सब होती हैं, मतलब जितनी भी हल्की बाइकें हैं, उसके अंदर क्या होता है क्रैंक वेट कम करते हैं ताकि उनको इनिशियल पिकअप मिल जाए। हैवी क्रैंक के अंदर इनिशियल पिकअप बहुत फ़र्क होता है हल्की क्रैंक से कंपेयर करें टू हैवी क्रैंक, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पिकअप वगैरह चाहिए तो आप क्लासिक वगैरह ले सकते हैं, अगर पिकअप नहीं चाहिए, रनिंग अच्छी चाहिए कि एक भाई भागे तो भागती रहे भाई, तो भाई स्टैंडर्ड लीजिए। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको भारी क्रैंक की बाइक लेनी है, ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको बीट सुननी है तो भारी क्रैंक की लीजिए, अदरवाइज़ हल्की क्रैंक लीजिए। अब कई लोग बोलेंगे भाई क्लासिक इलेक्ट्रा में क्या भारी क्रैंक डल सकती है, क्या स्टैंडर्ड में हल्की क्रैंक डल सकती है? जी हाँ दोस्तों, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, इंतजार करिए मेरे नए वीडियोस का, मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियोस के साथ। जब तक बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। क्योंकि वो बैरिंग का होता है उसके अंदर लगे हुए भोगली वगैरह, तो अब और क्लासिक जो लास्ट में आपने वो ग्रेविटी फोर्स करेंगे, क्या कहेंगे, जो एक मूवमेंट को घुमाता रहे, जो भी चल चल, जो एक उसका वेट का फोर्स देखिए कि हाथ पूरे हिल रहे तुम्हारे। चल ठंड के मारे कट करो यहीं से, पूरे फोन हिल रहा है, कट करो यहीं से, नहीं कट करो नहीं। तो देखा दोस्तों आपने कि स्टैंडर्ड के अंदर निकली चलो हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा नीचे कर लो ना, फिर भी आ रहा है, ये तो आएगा ना। हाँ ये तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आना है। चलो बोलिए, हैवी क्रैंक में इनिशियल प्लग मर्जी भाई। सही में कब कपा रहे हाथ तुम्हारे, ठंड बहुत है, 9 degrees होगा ना, तो करना है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कर लीजिएगा, चलिए ड्राइव सेफ।